एक कहानी। टीचर ने सीटी बजाई और स्कूल के मैदान पर 50 छोटे छोटे बालक बालिकाएं दौड़ पड़े। सबका एक लक्ष्य, मैदान के छोर पर पहुंचकर पुनः वापस लौट आना। प्रथम तीन को पुरस्कार, इन तीनों में से कम एक स्थान प्राप्त करने की सारी भाग दौड़। सभी बच्चों के मम्मी पापा भी उपस्थित थे तो उत्साह जरा ज्यादा ही था। मैदान के छोर पर पहुंचकर बच्चे जब वापस के लिए दौड़ रहे थे तो पालकों में नारे लग रहे थे, तेज तेज और तेज। प्रथम तीन बच्चे ने आनंद से अपने माता पिता की ओर देखा और अपने हाथों को लहराया। चौथे और पांचवे अधिक परेशान थे, कुछ तो माता पिता भी नाराज दिखाई देने लगे। उनके बाद जो बच्चे थे वो इनाम तो मिलना नहीं सोचकर दौड़ना छोड़ चुके थे। शीघ्र ही दौड़ खत्म हुई और पांच नंबर पाई वो छोटी सी बच्ची नाराज चेहरा लिए अपने पापा की ओर दौड़ पड़ी। पापा ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और बोला, वेल डन बच्चा, वेल डन, चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। कौन सी आइसक्रीम खाएगी मेरी प्यारी बिटिया? लेकिन पापा, मेरा नंबर कहीं भी नहीं आया, बच्ची ने आश्चर्य से पूछा। आया है बेटा, पहला नंबर आया है। बच्ची ने फिर आश्चर्य से अपने पिता की तरफ देखा और पापा, कैसे, ऐसे कैसे पापा, मेरा तो पांचवा नंबर आया है ना। अरे बेटा, तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? बच्ची ने जोड़ तोड़कर बताया, पांच आगे थे तो 45 बच्चे पीछे। इसका मतलब उन 45 बच्चों से आगे तुम पहली थी, इसीलिए तुम्हें आइसक्रीम का इनाम। और मेरे आगे आए वो चार बच्चे? परेशान होकर बच्ची ने पापा से पूछा। इस बार उनसे हमारा कंपटीशन नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधिक तैयारी की हुई थी और हम भी फिर से बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। अगली बार तुम 48 में से फर्स्ट आओगी और फिर उसके बाद 50 में से प्रथम रहोगी। ऐसा हो सकता है पापा? हां बेटा, ऐसा ही होता है। तब तो अगली बार मैं खूब तेज दौड़ लगाऊंगी और पापा, इस बार तो मैं पक्का ही आऊंगी, उत्साह से वो पापा की तरफ देखते हुए बोली। इतनी जल्दी क्यों बेटा, पैरों को मजबूत होने दो और हम खुद से आगे निकलना है तो दूसरों की तरफ नहीं देखना है। पापा का कहा बेटी को बहुत अच्छे से तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो बड़े विश्वास के साथ बोली, जैसा आप कहें पापा वैसा। अरे अब आइसक्रीम तो बताओ, पापा मुस्कुराते हुए बोले। तब तक नए आनंद से भरी 45 बच्चों में प्रथम के आत्मविश्वास से जगमग पापा की गोद में शान से हंसती बेटी बोली, मुझे बटरस्कॉच चाहिए। क्या इस बार अपने बच्चे के रिजल्ट के समय हम सभी माता पिता का व्यवहार कुछ ऐसा होना चाहिए? ये एक विचार है, ये एक सोच है और ये एक जागरूकता है कि इस बार कम से कम हम सभी माता पिता इस दिशा में सोचे और अपने बच्चों को वो आत्मविश्वास दे, वो विश्वास फिर से जगाए। और मेरा गुहार है उन सभी माता पिता को कि इस बार वो कुछ अलग सोचे। धन्यवाद।